आपके अपने YouTube चैनल डाउट बस्टर में। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में। ये डिटेल वीडियो है तो इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में और उनके फंक्शंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट, ब्लड क्या है? तो हम कह सकते हैं ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू derived from mesoderm। जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है मदर के वूम्ब में, तो जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है तो उसमें थ्री जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसी में से मेसोडर्म से ब्लड का डेरिवेशन होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ब्लड का ये एक ऐसा फ्लूइड है जो 24/7 हमारी बॉडी में लगातार फ्लो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इट इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, नेक्स्ट, ब्लड इसका पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.3। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। तो वी कैन राइट आवर नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3। और 7.3 कैसा होगा? ये होगा स्लाइटली एल्कलाइन टाइप का। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं ब्लड की। अब तो ब्लड कैसा होता है? ब्लड होता है ब्राइट रेड कलर का। तो वी कैन राइट इट इज अ ब्राइट रेड कलर फ्लूइड एंड सॉल्टी इन टेस्ट। कभी आप लोगों ने बचपन में जिज्ञासा होती है ब्लड को टेस्ट करने की, तो आपको हल्का सा नमकीन सा फील होता है, तो वही चीज यहाँ पे है। ब्लड इज अ ब्राइट रेड कलर फ्लूइड एंड सॉल्टी इन टेस्ट। और एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर। तो ये ब्लड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके इंट्रोडक्शंस हैं। क्या क्या है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डिराइव हुई है मेसोडर्म से। मेसोडर्म एक जर्म लेयर होती है जो कि गैस्ट्रुलेशन स्टेज में फॉर्म होती है। ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि 24/7 हमारी बॉडी में फ्लो होती है। ब्लड का पीएच 7.3 होता है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है। ब्राइट रेड कलर का फ्लूइड होता है, टेस्ट में थोड़ा सा सॉल्टी होता है और ये वाटर से थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कंपोजिशन की। तो आइए देखते हैं ब्लड कंपोजिशन ये बना होता है दो चीज़ों से। एक होता है सेलुलर पार्ट और एक होता है नॉन सेलुलर पार्ट नॉन
सेलुलर पार्ट, सेलुलर पार्ट को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और नॉन सेलुलर पार्ट्स को हम मैट्रिक्स या फ्लूइड कहते हैं, मैट्रिक्स या फ्लूइड कहते हैं, मैट्रिक्स या फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। सेलुलर पार्ट में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45% होते हैं, और जो नॉन सेलुलर पार्ट है जो कि मैट्रिक्स और फ्लूइड का बना होता है वो 55% होता है, 55% होता है। अब हम देखते हैं 55% में जो मैट्रिक्स और फ्लूइड का पोर्शन है ये कवर करता है आपका प्लाज्मा, ये कवर करता है प्लाज्मा, और जो 45% रिमेनिंग पोर्शन है ब्लड के वॉल्यूम का ये फॉर्म करते हैं ब्लड सेल्स। तो कौन कौन से ब्लड सेल्स ये 45% वॉल्यूम फॉर्म करते हैं ब्लड का? एक हो गया हमारा RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। तीसरा प्लेटलेट्स, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। WBC का फर्दर दो डिवीजन हुआ है, एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरे को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स। फर्दर इस ग्रेन्यूलोसाइट्स में डिफरेंस क्या होता है? जिन WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिस WBC के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनका साइटोप्लाज्म प्लेन होता है उन्हें हम कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में फर्दर तीन तरह के WBC पाए जाते हैं, कौन कौन से? बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, सेकंड योसिनोफिल्स एंड थर्ड न्यूट्रोफिल्स। वेयर एज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में दो तरह के WBC पाए जाते हैं, एक मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और दूसरा लिम्फोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स। तो ब्लड कंपोजिशन में हमने देखा कि ब्लड दो सेलुलर, दो पार्ट से बना हुआ है, सेलुलर पार्ट, नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि 45% ब्लड वॉल्यूम को शेयर करता है। नॉन सेलुलर पार्ट्स को हम मैट्रिक्स या फ्लूइड कह सकते हैं, जो कि प्लाज्मा का बना हुआ होता है, वो 55% पोर्शन होता है। प्लाज्मा को हम फर्दर अभी डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम फिर से उसको इलाबोरेट करेंगे। वेयर एज सेलुलर पार्ट में तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC में दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट्स में बैसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर। वाटर अप्रॉक्सीमेटली 92% होता है प्लाज्मा में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या पाया जाता है प्लाज्मा में? वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स अप्रॉक्सीमेटली 7% होती हैं इन प्लाज्मा। और सबसे आखिरी में कुछ सॉल्ट्स, सम हार्मोन्स, कुछ आयंस, इन सबको मिला करके बचा हुआ 1% ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फर्दर प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें तीन प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एक एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाई जाती है, ये मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है,
इसका मॉलिक्यूलर वेट सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे कम है। वेयर एज फिब्रिनोजन ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा है। फर्दर ग्लोबुलिन तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तो हमने देखा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वाटर का परसेंट होता है 92%, सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन 7%, थर्ड सॉल्ट हार्मोन्स एंड आयंस ये 1% का मेकअप करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने देखा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में पाई जाती है। वेयर एज फिब्रिनोजन इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखने के बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। हम लोगों ने तीन प्लाज्मा प्रोटीन्स देखी हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम एक वन बाय वन करके इनके फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि 50% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो एल्ब्यूमिन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का नेचर कैसा होता है? ये कोलोइडल नेचर के होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं एल्ब्यूमिन इज अ नेचुरल कोलोइड। अब ये नेचुरल कोलाइड होते हैं इसलिए ये कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। किस पे एग्जर्ट करते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होती है, इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी ब्लड में प्रेजेंट ना हो तो ब्लड वेसल्स के अंदर या विद इन दी ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो नहीं होगी। या कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से ही ब्लड में या ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं दे एग्जर्ट कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। दे एग्जर्ट कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम सीओपी भी कहते हैं। और इसी सीओपी की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस सीओपी कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड रिमेंस विद इन ब्लड वेसल्स। ब्लड रिमेंस विद इन ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट, एल्ब्यूमिन सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स का 50% पोर्शन हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 50% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अगर हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एक डिजीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं इडेमा। इडेमा में जो देखा जाता है उसमें फीट में स्वेलिंग हो जाती है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन कॉजेज इडेमा इडेमा। और इसमें सिम्टम क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ फीट। तो ये कुछ बातें हैं हमने एल्ब्यूमिन के बारे में देखी। एल्ब्यूमिन एक नेचुरल कोलोइड है। एल्ब्यूमिन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे, जिस वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो पाता है। नेक्स्ट, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी ब्लड में प्रेजेंट है उसका 50% प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। और अगर एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी हो जाए
तो पर्सन को इडेमा हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फीट अगर होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स पर हमने देखा था कि तीन तरह के ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। तो एक एक करके देखते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, इनका फंक्शन होता है, दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट कैरियर। दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट कैरियर। ट्रांसपोर्ट कैरियर मतलब कि ये कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में। क्या फंक्शन है इनका? दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट कैरियर। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में आयरन को और कुछ हार्मोन्स को। तो हमने देखा कि ग्लोबुलिन में अल्फा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन आयरन और हार्मोन्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल हैं। थर्ड ग्लोबुलिन जो हमने देखा था वो था गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं और इसको इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। तो हमने देखा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन काम आते हैं ट्रांसपोर्ट कैरियर्स के, आयरन और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में। गामा ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडीज हैं और ये क्या फॉर्म करती हैं? ये हमारी बॉडी की अडेप्टिव इम्यूनिटी फॉर्म करती हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि गामा ग्लोबुलिन क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म अडेप्टिव इम्यूनिटी। दे फॉर्म अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिब्रिनोजन। अब हम बात करते हैं फिब्रिनोजन के बारे में। फिब्रिनोजन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल होता है। तो हम लिख सकते हैं इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म। इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉट, इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म। और इसका सेकेंड मीनिंग हुआ कि ये बॉडी से, अगर बॉडी में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो जब ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से न निकले, इस वजह से ब्लड क्लॉट का मैकेनिज्म होता है और ये ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन दी प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। यहाँ हमारा बनता है नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन दी प्रिवेंशन ऑफ दी ब्लड लॉस। इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ दी ब्लड लॉस। ये हो गए फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजन। एक और बात, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस को हम हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। तो वी कैन से प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस इज नोन एज हीमोस्टेसिस, इज नोन एज हीमोस्टेसिस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस लीवर में होता है। बस एक एक्सेप्शन है कि गामा ग्लोबुलिन्स जो होती हैं उस प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर में नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन लीवर एक्सेप्ट एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। इस पर्टिकुलर वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं, जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारे पास में स्ट्रॉ कलर्ड येलो फ्लूड मिलता है, स्ट्रॉ कलर येलो फ्लूड मिलता है, उसे हम कहते हैं सीरम। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीरम। तो प्लाज्मा जो कि हमारी ब्लड में 55% वॉल्यूम शेयर करता है, इसमें से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो बचा हुआ हमारे पास में फ्लूड मिलता है
उसको हम कहते हैं सीरम, जो कि स्ट्रा कलर का होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डील किया ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस को हमने देखा। इनकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हम उनके बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस को हम देखेंगे। इसी के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इससे खूब सारा प्यार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलते रहे। टिल देन थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए।